हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को एरे ट्रेवर्सिंग के बारे में बताया था। आज हम करने वाले हैं बबल सॉर्ट और जावा के अंदर बबल सॉर्ट का सिंपल प्रोग्राम कैसे बनाना है। ओके, बट बबल सॉर्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग एक्चुअल में होता क्या है, देखो सिंपल है। सॉर्टिंग होता है किसी भी डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ इंटीजर वैल्यूज है, तो अगर मैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं तो वो सॉर्टिंग हो गया। अगर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो डिक्शनरी ऑर्डर में अगर मैं उनको अरेंज कर देता हूं तो वो भी सॉर्टिंग हो गया। ओके, सॉर्टिंग रियल वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे हम लोग कोई भी शॉपिंग वेबसाइट ओपन कर देते हैं, तो हमने कोई भी आइटम लेना है तो वहां पर आइटम के साथ उसका प्राइस भी आता है। आप लोगों को सबसे कम प्राइस वाला आइटम सबसे ऊपर शो होना चाहिए, देन उससे ज्यादा प्राइस वाला आइटम उससे नीचे, फिर उससे ज्यादा प्राइस वाला आइटम उससे नीचे। ओके, तो इस चीज को, मतलब डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग, अगर स्ट्रिंग वैल्यूज है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो उनको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने को हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। ओके, तो सॉर्टिंग काफी टाइप्स के होते हैं। बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट एक्सेट्रा, काफी टाइप्स के होते हैं। बट आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बबल सॉर्ट। ओके, तो देखो, तो देखो सबसे पहले तो बबल सॉर्ट होता क्या है। बबल सॉर्ट एक कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम होता है जो दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है और उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देता है। मतलब अगर दोनों एलिमेंट्स ऑर्डर में नहीं है तो उनको स्वैप करवा देता है। ओके, देखो मैं आप लोगों को बबल सॉर्ट एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। मैंने यहां पर कोई भी नंबर ले लिए, जैसे 36, 19, 29, 12 एंड 5। ओके, ये कोई भी मैंने नंबर्स ले ली, तो बबल सॉर्ट करेगा वो चीज देख लेते हैं। देखो मेरे पास यहां पर नंबर्स क्या हैं, 36, 19, 29, 12 एंड 5। तो वो क्या काम करेगा, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेगा। अब ये दोनों क्या है, 19 जो है वो 36 से छोटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 19 एंड 36 जो है वो स्वैप हो जाएंगे, बाकी के नंबर एज इट इज यहां पर आ जाएंगे। क्लियर है? अब सेकंड टाइम पर ये क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा। इस केस में क्या हो गया, 19, 29 आगे आ जाएगा एंड 36 पीछे चला जाएगा, नंबर जो वो अगेन स्वैप हो गए, देन 12 एंड 5 ये एज इट इज आ जाएंगे। अब ये क्या काम करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा, यहां पर 12 अगेन छोटा है तो ये दोबारा फिर से उसको स्वैप करवा देगा। मतलब 12 पहले आ गया, 36 बाद में आ गया एंड 10 5। ओके, और ये दोनों अब लास्ट में कंपेयर होंगे और लास्ट जो लिस्ट आएगी वो क्या आ जाएगी, 19, 29, 12, 5 एंड 36। ओके, तो ये यहां पर क्या है, राउंड वन हो गया। राउंड वन एक कंप्लीट हो गया जिसके अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सबसे लास्ट पोजिशन पर पहुंच चुका है। ओके, तो इस चीज को या तो आप राउंड बोल लो या फिर फेस बोल सकते हो। ओके, अब दोबारा से क्या होगा, सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, राउंड टू स्टार्ट होगा और राउंड टू के अंदर ये वाली जो लिस्ट है, मतलब 19, 29, 12, 5 एंड 36, अब की बार ये दोबारा से इसको कंपेयर करना स्टार्ट करेगा। ये दोनों सही है, मतलब 19 छोटा है, 29 बड़ा है, तो अब की बार ये नंबर स्वैप नहीं होगा, तो लिस्ट जो है वो मेरे पास एज इट इज आ जाएगी, 19, 29, 12, 5 एंड 36। देन नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा तो 12 छोटा है, 29 बड़ा है, तो यहां पर लिस्ट क्या आ जाएगी, 19, 12, 29, 5 एंड 36। ओके, फिर ये क्या काम करेगा, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा,
तो अगेन फाइव छोटा है तो फाइव आगे आ जाएगा, मतलब लिस्ट क्या हो जाएगी, 19, 12, 5, 29 एंड 36। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो, अब की बार मुझे इन दोनों को कंपेयर करवाने की नीड नहीं है, बिकॉज जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो ऑलरेडी लास्ट में, तो इन दोनों को कंपेयर करवाने की नीड नहीं है। और क्या होगा, लास्ट में सेकेंड राउंड के अंदर जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेकेंड लास्ट पोजिशन पर प्लेस हो जाएगा, क्लियर है। बट अभी भी लिस्ट जो है वो सॉर्ट नहीं, तो क्या होगा, राउंड थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, तो राउंड थ्री के अंदर लिस्ट मेरे पास क्या आई हुई है, 19, देन 12, देन 5, देन 29 एंड 36। ओके, देन राउंड थ्री के अंदर अब दोबारा से ही क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करेगा। अब यहां पर 12 छोटा है तो 12 आगे आ जाएगा, 19 पीछे चला जाएगा, देन 5, 29 एंड 36। ओके, देन मैं दोबारा से इन दोनों को कंपेयर करूंगा, अब की बार क्या है, 12, ये 5 छोटा है तो 5 आगे आ जाएगा, देन 19, 29 एंड 36, क्लियर है। तो अब की बार क्या हुआ, इन दोनों को मुझे कंपेयर करवाने की नीड नहीं है, बिकॉज सेकेंड राउंड के अंदर 29 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर आ चुका था, तो मुझे क्या करना है, इनको कंपेयर करवाने की नीड नहीं है, क्लियर है। तो थर्ड राउंड के अंदर थर्ड पोजीशन पर थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो प्लेस हो चुका होगा, और एट लास्ट एक और राउंड आ जाएगा, डेट इज राउंड 4। इस केस में वो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा, और जो भी छोटा होगा वो वाला नंबर आगे आ जाएगा, बाकी नंबर एज इट इज प्लेस हो जाएंगे, क्लियर है। तो यहां पर देख रहे हो राउंड 4 के अंदर वो उसने मुझे क्या प्रोवाइड कर दिया, एक सॉर्टेड लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर दी, क्लियर है ये पॉइंट। तो इस टाइप से बबल सॉर्ट काम करता है, जिसके अंदर वो हर एक एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता रहता है, और कंपेयर करने के बाद उनको प्लेस करवाता रहता है ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर है ये चीज। तो देखो यहां पर अब आपको क्या ख्याल रखना है, कितने राउंड्स हुए यहां पर, अभी आप देखोगे तो यहां पर टोटल कितने राउंड्स हुए, 4 राउंड्स हो गए, और फोर्थ राउंड के अंदर उसने मुझे सॉर्टेड लिस्ट प्रोवाइड कर दी, क्लियर है। एक चीज का ध्यान रखना, नंबर ऑफ राउंड्स मिलेंगे, नंबर जितने टोटल नंबर है उतने माइनस 1, क्लियर है। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 5 है, तो 5 माइनस 1, तो ये चीज का ध्यान रखना, नंबर ऑफ राउंड्स कितने मिलेंगे, 4। अगर मेरे पास यहां पर 10 एलिमेंट्स है तो 9 के अंदर, 9 राउंड्स के अंदर वो क्या करेगा, पूरी की पूरी मुझे सॉर्टेड लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। तो हमें यहां पर क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द लिस्ट माइनस 1, क्लियर है ये पॉइंट। तो ये था बबल सॉर्ट किस टाइप से काम करता है, क्लियर है। अब मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल प्रोग्राम जावा के अंदर बनाकर दिखा देता हूं, ओके। तो देखो मेरे पास लिस्ट क्या थी, int a equals to 36, 19, 29, 12 and 5। तो ये थी मेरे पास लिस्ट जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, और फर्स्ट वाला जो फॉर लूप होगा वो किस चीज के लिए होगा, नंबर ऑफ राउंड्स के लिए। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, int i equals to 0, then i should be less than a dot length, means इसकी लेंथ आ जाएगी, एंड i प्लस प्लस, क्लियर है। तो ये मैंने यहां पर एक फॉर लूप लगा दिया, ये फॉर लूप किस चीज के लिए हो जाएगा, नंबर ऑफ राउंड्स के लिए, क्लियर है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर एंट j इक्वल्स टू 0, देन j शुड बी लेस देन a डॉट लेंथ माइनस 1, ओके। यहां पर आपको माइनस 1 कर देना है, ठीक है, देन j प्लस प्लस, ओके। तो ये वाला फॉर लूप किस चीज के लिए आ जाएगा, ये बेसिकली दो एडजेसेंट एलिमेंट्स के लिए हम लोगों ने लगा दिया। और फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, इफ कंडीशन के अंदर उन दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करवा दूंगा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, int a of j is greater than a of
जे प्लस वन। तो मैंने यहां पर इफ कंडीशन प्रोवाइड कर दी कि अगर जो फर्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट है वो बड़ा है किससे, सेकंड एडजेसेंट एलिमेंट से, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, नंबर को इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप करवा देंगे। तो स्वैप करवाने के लिए मैंने क्या किया है, इधर एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, डेट इज एंट टेम्प, टेम्प नेम का एक वेरिएबल ले लिया, और मैं सिंपली यहां पर क्या कर दूंगा, टेम्प के अंदर मैंने किसको पुट करवा दिया, ए ऑफ जे, मींस जे की वैल्यू को पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को मैंने किसी एक टेम्प वेरिएबल के अंदर पुट करवा दिया, देन ए ऑफ जे, जे के अंदर मैंने क्या किया, सेकेंड एलिमेंट को मैं पुट करवा दूंगा, एंड देन ए ऑफ जे प्लस वन, सेकेंड एलिमेंट के अंदर अगेन मैं टेम्प वेरिएबल पुट करवा दूंगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये यहां पर क्या हुआ, अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड एडजेसेंट एलिमेंट से बड़ा है तो वो क्या करेगा, उन दोनों नंबर्स को स्वैप करवा देगा। क्लियर है पॉइंट? देन ये यहां पर फॉर लूप क्लोज हो जाएगा और एक और फॉर लूप यहां पर क्लोज हो जाएगा। तो ये जो है ये सिंपल बबल सॉर्ट का एक प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? बट इस केस में क्या हो रहा, अगर आप यहां पर देखोगे इस केस में ये हर बार लास्ट वाले एलिमेंट को, मतलब ये वाला नंबर जब लास्ट पोजीशन पर चला गया राउंड वन के अंदर, तो राउंड टू के अंदर वो फिर से इससे कंपेयर कर रहा है। तो हम लोग यहां पर एक कंडीशन और लगा देंगे, डेट इज माइनस आई। माइनस आई का क्या मतलब है कि जैसे जैसे नंबर सॉर्ट होते जाएंगे, हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट को, देन सेकंड राउंड के अंदर सेकंड लास्ट एलिमेंट को, देन थर्ड राउंड के अंदर थर्ड लास्ट एलिमेंट को हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्या लगा दिया, माइनस आई प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है पॉइंट? अब एक और पार्ट इसके अंदर ध्यान रखना, अगर बाय चांस मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है और नंबर स्वैप हो जाते हैं बट राउंड कुछ अभी भी बचे हुए, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर लिस्ट स्वैप हो गई तो दोबारा से उनको चेक ना करें। तो इस चीज के लिए हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, सिंपली देखो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, एक एंट फ्लैग नेम का कोई भी एक वेरिएबल ले लो, एंट फ्लैग इक्वल्स टू जीरो, और मैं यहां पर क्या कर दूंगा, अगर नंबर्स बार बार स्वैप होते जा रहे तो मैं यहां पर क्या करूंगा, फ्लैग की वैल्यू को वन करवा दूंगा। ओके, डेट मींस के फ्लैग की वैल्यू, अगर नंबर स्वैप होते जा रहे तो फ्लैग की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, वन होती चली जाएगी। बट अगर नंबर स्वैप नहीं होते, इसका मतलब क्या है कि लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू को हम लोग यहां पर चेक करवा लेंगे और क्या लिख देंगे, इफ फ्लैग इक्वल्स टू जीरो। अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो है तो वो क्या काम करेगा, इस वाली स्टेटमेंट को, मतलब फॉर लूप को वो क्या कर देगा, ब्रेक करवा देगा, और ब्रेक करवा देगा तो दोबारा से इस वाले लिस्ट को सॉर्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये वाले लिस्ट ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी होगी। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? तो ये वाली इफ कंडीशन मैं क्या करूंगा, ये यहां पर इस वाले फॉर लूप से बाहर मैं लिख दूंगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये काम कैसे करेगा, देखो फर्स्ट आई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है नीचे आ जाएगा, फ्लैग की वैल्यू जीरो है, देन जे इक्वल्स टू जीरो, देखो आई की वैल्यू क्या थी, जीरो, देन फ्लैग, फ्लैग की वैल्यू क्या थी, जीरो, देन नीचे आ जाएगा जे, जे की वैल्यू क्या है, जीरो, देन कंडीशन ट्रू है, ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ की वैल्यू क्या है, फाइव माइनस वन फोर, माइनस आई, आई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो फाइव माइनस वन वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, फोर, जीरो इज स्मॉलर देन फोर, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा, नीचे वो क्या करेगा, ए ऑफ जीरो, जे की वैल्यू क्या है, जीरो, ए ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन, चेक करेगा कंडीशन, ए ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन ए ऑफ वन, तो क्या 36 19 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई, वो नीचे आ जाएगा और नीचे आने के बाद वो क्या कर देगा, नंबर को स्वैप करवा देगा, मतलब जीरो पोजीशन पर अब कौन सी वैल्यू आ गई, 19 आ गई, एंड 36 जो है वो इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन के ऊपर चला गया, बाकी नंबर एज इट इज यहां पर आ जाएंगे 29 12 एंड 5। ओके, देन फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। ओके, देन ये क्या काम करेगा, जे की वैल्यू को क्या कर देगा, एक इंक्रीमेंट करवा देगा, वन हो जाएगी, देन अगेन वन इज स्मॉलर देन फोर, कंडीशन चेक करेगा,
अगेन ट्रू है कंडीशन नीचे आ जाएगा, a ऑफ वन इज ग्रेटर देन a ऑफ टू, तो a ऑफ वन पर कौन सी वैल्यू है, जीरो इंडेक्स पोजिशन पर ये है वन टू थ्री एंड फोर, तो a ऑफ वन 36 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 29 से, कंडीशन अगेन ट्रू होगी और नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद वो क्या करेगा अगेन नंबर्स को स्वैप करवा देगा, क्लियर है, तो अब की बार अगेन क्या हो जाएगा 19 29 36 12 एंड 5, देन दोबारा से फोर लूप चलेगा, फिर क्या काम करेगा ये 36 ये भी आपस में स्वैप हो जाएंगे एंड देन ये भी स्वैप हो जाएंगे, क्लियर है, जब फोर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो क्या काम करेगा नीचे आएगा, नीचे वो चेक करेगा फ्लैग की वैल्यू जीरो है या नहीं, अब जीरो तो है नहीं तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, वो क्या काम करेगा वापस ऊपर आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब की बार वन हो जाएगी, क्लियर है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई यहां पर वन, देन दोबारा से नीचे आएगा फ्लैग की वैल्यू वो दोबारा से क्या कर देगा जीरो से स्टार्ट कर देगा, फिर नीचे आ जाएगा जे की वैल्यू अगेन जीरो से स्टार्ट हो गई, देन दोबारा फिर से ये क्या करेगा स्टार्टिंग से जो भी लिस्ट आई थी फर्स्ट राउंड के अंदर मेरे पास लास्ट लिस्ट क्या आ जाएगी 29 12 5 एंड 36, ये वाली लिस्ट आई है मेरे पास फर्स्ट राउंड के अंदर, जब आई की वैल्यू वन हो जाएगी तो वो दोबारा से अब इस लिस्ट को स्टार्ट करेगा सॉर्ट करना, तो इस बार क्या हो जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर ये दोनों स्वैप नहीं होंगे बिकॉज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन ऊपर जाएगा फिर से जे की वैल्यू वन हो जाएगी तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, तो इस टाइप से क्या करेगा ये बार बार स्वैप करवाता रहेगा, क्लियर है, जैसे ही स्वैप हो चुकी होगी सॉर्ट हो चुकी होगी वो क्या काम करेगा फ्लैग की वैल्यू वन नहीं करेगा, देन फॉर लूप के बाद नीचे आ जाएगा और वो क्या कर देगा फॉर लूप को ब्रेक करवा देगा, ये चीज कब एग्जीक्यूट होगी जब राउंड रहते हैं बट लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो चुकी है, ओके, तो इस टाइप से ये काम करना स्टार्ट करता है, यहां पर अगर मैं माइनस आई कर देता हूं तो ये क्या काम करेगा सेकेंड राउंड के अंदर इस वाले एलिमेंट को सॉर्ट नहीं करवाएगा, कंडीशन मैच नहीं करेगा, देन थर्ड राउंड के अंदर वो क्या करेगा माइनस टू टू हो जाएगी आई की वैल्यू, तो वो क्या काम करेगा नेक्स्ट के लास्ट के एलिमेंट्स को वो अगेन सॉर्ट नहीं करवाएगा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके होंगे, क्लियर है, तो इस टाइप से बबल सॉर्ट जो है वो काम करता है, क्लियर है, अब मैं आपको ये वाला प्रोग्राम एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं, तो देखो मैंने यहां पर नोटपैड ओपन कर दिया, देन एक क्लास क्रिएट कर दी बबल सॉर्ट के नेम से और उसके अंदर एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। अब मैं यहां पर एक इंट एरे ले लेता हूं दैट इज इंट ए इक्वल्स टू, एरे के अंदर मैं एलिमेंट्स को पुट करवा देता हूं दैट इज 36, 19, 29, 12, 5, तो ये एरे के अंदर मैंने एलिमेंट्स को पुट करवा दिया, ओके, अब मैंने यहां पर एक फॉर लूप लगा दिया है फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो देन आई शुड बी लेस देन ए डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, तो ये जो फर्स्ट फॉर लूप लगाया ये किस चीज के लिए राउंड्स के लिए आ जाएगा, देन इसके अंदर मैं क्या करूंगा एक और फॉर लूप प्रोवाइड करूंगा इंट जे इक्वल्स टू जीरो देन जे शुड बी लेस देन ए डॉट लेंथ माइनस वन एंड जे प्लस प्लस, और सेकेंड फॉर लूप किस चीज के लिए आ जाएगा ये आ जाएगा दो एडजेसेंट एलिमेंट्स के लिए, ओके, और जो दो एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे हम लोग क्या करेंगे उनको कंपेयर कर देंगे, तो मैंने यहां पर लगा दिया है इफ a of j is greater than a of j plus 1, तो ये यहां पर क्या करेगा अगर फर्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट जो है वो सेकेंड एडजेसेंट एलिमेंट से बड़ा है तो मैं यहां पर क्या करवा दूंगा उनको स्वैप करवा दूंगा, तो मैंने यहां पर क्या किया एक टेम्प नेम का वेरिएबल ले लिया और मैं क्या कर दूंगा यहां पर a of j की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया टेम्प के अंदर स्टोर करवा दिया, देन a of j के अंदर कौन सी वैल्यू चली जाएगी a of j plus 1, a of j के अंदर मैंने वैल्यू पुट करवा दी a of j plus 1 की और a of j plus 1 के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी टेम्प की वैल्यू a of j के अंदर चली जाएगी, ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया अगर फर्स्ट नंबर बड़ा है सेकेंड एडजेसेंट एलिमेंट से
तो वो क्या कर देगा, उनकी वैल्यू को आपस में स्वैप करवा दे। ओके, और फिर मैं यहां पर क्या कर देता हूं, एरे को प्रिंट करवा देता हूं। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो देन आई शुड बी लेस देन ए डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, और मैं यहां पर सिंपली क्या पार्ट कर दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं क्या कर दूंगा ए ऑफ आई को मैं यहां पर प्रिंट करवा दूंगा और स्पेस मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दी। ओके, तो ये था सिंपल लॉजिक। एक बार हम लोग इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। तो फाइल पर गए, सेव किया हमने बबल सॉर्ट डॉट जावा के नेम से डी ड्राइव जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर सेव किया, देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, डी ड्राइव के अंदर गए, देन सीडी स्पेस जावा प्रोग्राम्स, देन जावा सी स्पेस बबल सॉर्ट डॉट जावा प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया एंड जावा स्पेस बबल सॉर्ट, तो ये यहां पर इसने आउटपुट प्रोवाइड कर दी। जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स थे वो क्या किया, उसने सॉर्ट करके मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर दी। ओके, तो ये था सिंपल लॉजिक। अगर आपको एरे के अंदर के एलिमेंट्स को सॉर्ट करवाना है किसके थ्रू, बबल सॉर्ट प्रोसेस के थ्रू। ओके, बट यहां पर क्या है, अभी इससे 5 ही एलिमेंट्स है। अगर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो ये क्या करेगा, ये वाला लॉजिक बहुत ज्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो हम लोग इस लॉजिक को थोड़ा सा और इफेक्टिव बना देते हैं। कैसे, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैंने यहां पर कंडीशन में माइनस आई और लगा दिया। ये वाला पार्ट किस लिए, बिकॉज जब वो फर्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को सबसे लास्ट में पुट करवा देगा तो फिर ये क्या काम करेगा, सेकंड राउंड के अंदर ये उस लास्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर नहीं करेगा, देन थर्ड राउंड के अंदर फिर ये क्या करेगा, लास्ट के 3 एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करेगा, देन फोर्थ राउंड के अंदर ये क्या करेगा, लास्ट के 4th एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करेगा, और जो टाइम वेस्ट होना था वो चीज हमारा बच जाएगा। ओके, देन एक पार्ट और कर सकते हैं हम लोग, बाई चांस अगर यहां पर नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट होने से पहले ही एलिमेंट्स अगर सॉर्ट हो जाते हैं तो फिर फॉर लूप दोबारा एग्जीक्यूट करवाने की नीड नहीं है, तो मैं उस चीज के लिए भी एक लॉजिक पार्ट यहां पर लगा सकता हूं। मैं सिंपली यहां पर क्या करूंगा, एक फ्लैग नेम का वेरिएबल ले लेता हूं, दैट इज इंट फ्लैग इक्वल्स टू 0, और मैं यहां पर क्या करूंगा, जब नंबर स्वैप हो रहे हैं तो फ्लैग की वैल्यू को मैं यहां पर क्या कर दूंगा, फ्लैग इक्वल्स टू 1। ओके, और फॉर लूप से बाहर मैं चेक कर दूंगा कि क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है दैट मींस के नंबर स्वैप नहीं हुए, और नंबर कब स्वैप नहीं होंगे, जब एलिमेंट्स पूरी तरह सॉर्ट हो जाएंगे। तो अगर एलिमेंट्स पूरी तरह सॉर्ट हो गए तो मुझे ये वाला फॉर लूप दोबारा एग्जीक्यूट करवाने की नीड नहीं है, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो इस प्रोग्राम को भी एक बार हमने सेव कर दिया, देन प्रोग्राम को अगेन कंपाइल किया एंड रन किया, तो ये देखो इसने अगेन आउटपुट प्रोवाइड कर दी। बट इस बार क्या हुआ, उसने इस केस में टाइम थोड़ा कम लिया। ये चीज हमें कब पता चलेगा, जब हम बहुत बड़े एक एरे को सॉर्ट करेंगे तो ये वाला मेथड ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं कि ये वाला प्रोसेस काम कैसे करता है, वो चीज देख लेते हैं। देखो देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या है, 0, आई शुड बी स्मॉलर देन ए डॉट लेंथ, तो यहां पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 0 इज स्मॉलर देन 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा, फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी, देन इंट जे इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जे इज स्मॉलर देन ए डॉट लेंथ -1 -i, तो 5 -1 -4 -0, तो 0 इज स्मॉलर देन 4, अगेन कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1। तो यहां देखो आई की वैल्यू 0 पर उसने क्या किया, फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया, और जे की वैल्यू 0 जब है तो ये क्या कर रहा है, 36 और 19 को कंपेयर कर रहा है, जिसका लॉजिक मैंने ये यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, अगर फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट ग्रेटर है सेकंड एडजेसेंट एलिमेंट से, तो ये क्या कर देगा, उन दोनों को आपस में स्वैप करवा देगा, और स्वैप करवाने का लॉजिक मैंने यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है, क्लियर है।
तो ये क्या काम कर रहा है, जे की वैल्यू जीरो पर 36 और 19 को ये स्वैप कर रहा है और फ्लैग की वैल्यू इसने कर दी वन। ओके, देन ऊपर चला जाएगा, जे की वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन के केस में ये क्या करेगा, आपकी बार 36 और 29 को कंपेयर करेगा। इस केस में भी ये दोनों ऑर्डर में नहीं है, 29 छोटा है 36 बड़ा है, तो ये क्या करेगा इन दोनों को अगेन स्वैप करवा देगा। देन जे की वैल्यू अगेन टू हो जाएगी, टू के केस में ये 36 और 12 को कंपेयर करेगा, देन अगेन ये ऑर्डर में नहीं है, इन दोनों को भी स्वैप करवा देगा। देन जे की वैल्यू थ्री हो जाएगी, थ्री के केस में ये 36 और 5 को कंपेयर करेगा और उन दोनों को भी अगेन स्वैप करवा देगा बिकॉज वो दोनों ऑर्डर में नहीं है। ओके, तो एट लास्ट जब आई की वैल्यू जीरो है, डेट मीन्स राउंड वन के अंदर उसने मुझे यहां पर फाइनल लिस्ट प्रोवाइड कर दी, डेट इज 19, 29, 12, 5 एंड 36। ओके, अब ये क्या काम करेगा, नीचे जाएगा, फ्लैग की वैल्यू क्या है, जीरो है, नहीं फ्लैग की वैल्यू क्या है, वन है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वापस ऊपर चला जाएगा, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। ओके, तो आई की वैल्यू क्या होगी, वन, और वन होते ही यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। देन अगेन इस केस में क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू जीरो है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा, और जो यहां पर फाइनल लिस्ट थी डेट वॉज 19, 29, 12, 5 एंड 36, ये यहां पर क्या करेगा, 19 एंड 29 को कंपेयर करेगा। अब ये दोनों ऑर्डर में है, 19 छोटा है 29 बड़ा है, तो ये कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इफ के अंदर नहीं जाएगा, वो क्या काम करेगा, वापस ऊपर आ जाएगा, जे की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करवा देगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, वन के केस में ये अगेन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आ जाएगा, तो ये जे इक्वल्स टू वन के केस में 29 एंड 12 को कंपेयर कर रहा है, तो ये चीज ऑर्डर में नहीं है, तो अगेन ये क्या करेगा, 29 एंड 12 को स्वैप करवा देगा। देन जे की वैल्यू अगेन टू हो जाएगी, टू के केस में ये 29 एंड 5 को आपस में स्वैप करवा देगा, और एट लास्ट मेरे पास सेकेंड राउंड के अंदर फाइनल लिस्ट आ जाएगी, डेट इज 19, 12, 5, 29 एंड 36। तो यहां पर एक चीज देखो, फर्स्ट राउंड के अंदर जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो सबसे लास्ट पोजीशन पर चला गया, सेकेंड राउंड के अंदर जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है डेट इज 29, वो सेकेंड लास्ट पोजीशन के अंदर आ चुका है। ओके, फिर से अगेन यहां पर क्या होगा, इफ कंडीशन मैच करेगा, फ्लैग की वैल्यू वन हो चुकी है तो वो इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, एंड राउंड थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। इस केस में जब जे की वैल्यू जीरो होगी तो ये फर्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, स्वैप हो जाएंगे बिकॉज 19 एंड 12 ये दोनों ऑर्डर में नहीं है, तो 12 फर्स्ट पोजिशन पर चला जाएगा, 19 बाद में आ जाएगा, देन जे की वैल्यू वन हो जाएगी। इस केस में अगेन ये 19 और 5 को आपस में स्वैप करवा देगा बिकॉज ये दोनों ऑर्डर में नहीं है। ओके, तो थर्ड राउंड के अंदर जब आई की वैल्यू 2 है तो उसने मुझे फाइनल लिस्ट प्रोवाइड कर दी, 12, 5, 19, 29 एंड 36। देन आई की वैल्यू अगेन 3 हो जाएगी, 3 होने के बाद राउंड 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिस केस में जब जे की वैल्यू 0 होगी तो 12 एंड 5 को कंपेयर करेगा, बाकी के एलिमेंट्स को वो कंपेयर नहीं करेगा बिकॉज माइनस वन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो राउंड 4 के अंदर मेरे पास फाइनल लिस्ट आ जाएगी, सॉर्टेड लिस्ट, दैट इज 5, 12, 19, 29 एंड 36। ओके, तो इस टाइप से ये क्या करता है, फर्स्ट फॉर लूप ये काम करता है नंबर ऑफ राउंड्स के लिए, एंड सेकेंड फॉर लूप ये काम करता है एलिमेंट्स को कंपेयर करवाने के लिए। ओके, तो इस टाइप से जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं ये उनको सॉर्ट करके प्रोवाइड कर देगा, और एट लास्ट मैं यहां पर क्या करूंगा, एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दूंगा। ओके, तो ये यहां पर इस टाइप से काम करता रहता है। ओके, तो ये था सॉर्टिंग का प्रोग्राम, अगर इंटीजर लिस्ट हमें दी हुई है और हमें उसको सॉर्ट करवाना, क्लियर है। अब अगर यहां पर मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू गिवन है तो फिर हम लोग कैसे सॉर्ट करेंगे, उसके इसमें भी प्रोसेस सेम ही लगेगा, बट यहां पर इफ कंडीशन का पार्ट जो है वो चीज मैं चेंज कर दूंगा, क्लियर है। तो ध्यान रखना, स्ट्रिंग अगर आपको सॉर्ट करना है तो हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं, डेट इज कंपेयर टू मेथड। कंपेयर टू मेथड क्या करता है,
कंपेयर टू मेथड दो स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करता है, मतलब वो क्या करेगा, हर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को यूनिकोड वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेगा और फिर उन दोनों को आपस में मैच करवाएगा। ओके, तो यहां पर हम लोग, अगर मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, इफ कंडीशन के अंदर यहां पर हम लोग लिख देंगे ए ऑफ जे डॉट कंपेयर टू, कंपेयर टू जो है वो स्ट्रिंग क्लास का मेथड होता है, कंपेयर टू मैंने यहां पर कर दिया ए ऑफ जे प्लस वन, वो क्या करेगा इनको कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद अगर वो छोटा है, डेट मींस मैंने कंडीशन यहां पर लगा दी इज ग्रेटर देन जीरो, तो वो क्या काम करेगा, अगेन उनको स्वैप करवा देगा, अदरवाइज वो स्वैप नहीं करेगा। तो ध्यान रखना कंपेयर टू जो मेथड है, एक तो वो स्ट्रिंग क्लास का हो गया, एंड सेकेंड थिंग ये जीरो आउटपुट दे देगा अगर दोनों कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के फर्स्ट दोनों कैरेक्टर्स जो है वो इक्वल है, अगर छोटा है कैरेक्टर तो वो क्या करेगा माइनस वन आउटपुट दे देगा, एंड अगर बड़ा है तो वो क्या करेगा वन आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो ये तीन कंपेयर टू मेथड जो है वो ये तीन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, और मैं क्या करूंगा उनको चेक करवाऊंगा, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो वो स्वैप हो जाएंगे, अदरवाइज स्ट्रिंग्स वैल्यू जो है वो स्वैप नहीं होगा। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम अगर स्ट्रिंग वैल्यूज गिवन है तो फिर आप लोगों को सॉर्टिंग कैसे करना है, इसका भी प्रोग्राम एक बार प्रैक्टिकल में आपको दिखा देता हूं। तो देखो, तो अगर स्ट्रिंग एरे है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर क्या किया, एक स्ट्रिंग एरे ले लिया और इसके अंदर मैंने नेम्स प्रोवाइड कर दिए कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपक, अमित, दीपेश, विरोनिका, राहुल, कुछ भी मैंने नेम्स यहां पर प्रोवाइड कर दिए। ओके, तो लॉजिक पार्ट पूरा का पूरा सेम रहेगा, सिर्फ मैं यहां पर क्या करूंगा, कंपेयर जो हम डायरेक्टली ग्रेटर देन करवा रहे थे, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर टू मेथड को यूज करेंगे। ओके, तो मैंने यहां पर लगा दिया कंपेयर टू इज ग्रेटर देन जीरो, और अभी मैंने बताया था कंपेयर टू मेथड क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को यूनिकोड के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर उनको आपस में मैच करवाता रहता है। तो यहां पर मैंने क्या किया, कंपेयर टू मेथड का यूज कर लिया, और अगर कैरेक्टर छोटे या बड़े हैं तो वो क्या कर देंगे, आपस में स्वैप करवा देंगे। तो यहां पर टेम्प की वैल्यू जो मैंने ऊपर इंटीजर ली हुई थी, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो इसको मैं एक बार सेव कर देता हूं प्रोग्राम को, देन प्रोग्राम को मैंने यहां पर कंपाइल किया, देन रन किया, तो ये देखो इसने यहां पर प्रॉपर स्ट्रिंग सॉर्टेड एरे प्रोवाइड कर दी। क्लियर है? तो लॉजिक पार्ट दोनों का सेम ही है, सिर्फ मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग के केस में यहां पर कंपेयर टू मेथड का यूज करना है, दैट्स इट। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंटीजर लिस्ट एंड स्ट्रिंग लिस्ट अगर गिवन है तो उसको बबल सॉर्ट के थ्रू हम लोग कैसे सॉर्ट करवा सकते हैं। ओके, अगर फिर भी आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।